परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हो, वो आपकी गति को धीमा कर सकती हैं, लेकिन आपके रास्ते को रोक नहीं सकती हैं। वो जो एयरफोर्स ज्वाइन करके आसमान में उड़ना चाहती थी, परंतु उनके हौसले ने और उनके मनोबल ने मुश्किलों को मात दे दी। हिम्मत हो तो उनके जैसे। स्वागत कीजिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में एक असिस्टेंट मैनेजर सवाई माधोपुर राजस्थान से शताब्दी अवस्थी। आइडिया कुछ नहीं था, बस सिर्फ एक यही था कि कुछ भी करना है, कुछ भी था। मुझे किसी भी तरह की नौकरी चाहिए थी, लेकिन मुझे नौकरी चाहिए थी। बहुत प्राउड था पेरेंट्स को, कहीं भी बाहर निकलते थे तो जब भी पापा बैंक में आते थे तो मुझे बहुत खुशी होती थी। वो एक इतने इतने प्राउड के साथ में वो बैंक में एंटर करते थे कि हाँ मेरी बेटी यहाँ पे मैनेजर है। जब मेरा शो आने वाला था तो MD सर ने पर्सनली एक एक जने को मैसेज करके बोला था कि हमारे बैंक से है, वो आ रही है, उसको आप जरूर देखना। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आप जिस इंस्टीट्यूशन में हो वो इंस्टीट्यूशन आपको सपोर्ट करता है। तो सिलेक्शन होने के बाद भी मैंने पढ़ाई बंद नहीं की, उसके बाद भी मैंने अपना MA कंप्लीट किया हिस्ट्री में, मैंने नेट किया, मैंने कॉलेज लेक्चर के लिए भी का भी एग्जाम दिया। डेडिकेशन भी बहुत है स्कूल्स में, बहुत अच्छी इसके एकेडमिक में बहुत अच्छी रही है ये। तो फर्स्ट टाइम इसने बैंक का दिया और फर्स्ट टाइम में ये क्वालिफाई भी हो गई। जाके रात में सब लोग सो गए थे, जाके कंप्यूटर ऑन किया, उसमें रिजल्ट डाला, देखा तो भी मेरे को इतना रोल नंबर देख के तो लग नहीं रहा था कि मेरा ही है। जब मैं वहाँ से जीत के आई थी तो एक बहुत लार्ज स्केल पे मेरा फेलिसिटेशन हुआ, जिस मतलब ऑल ओवर इंडिया सब बैंक में सब लोग मुझे जानने लगे। तो छोटे छोटे कार्ड्स आया करते थे तो उनको इकट्ठे कर करके एक बॉक्स था उसमें, मतलब और जुनून जैसा था, मतलब अमिताभ को लेके तो एक एक मूवी को कई कई बार हम देखते थे। वो मेरी दीदी फैन थी तो उनको बहुत लेटर्स लिखती रहती थी वो, तो एक बार उनका रिप्लाई आया था, उन्होंने अपनी फोटो भेजी थी ऑटोग्राफ देके और एक लेटर भी लिखा था, और वो लेटर मैंने अमिताभ बच्चन को दिखाया भी था। जब मैंने उनको दिखाया तो ही वाज शॉक कि मतलब इतना पुराना लेटर उनका लिखा हुआ। वो रखो इनका खूब बोलंदे, आपके बच्चे तो आपको वो है, आपको इस पर पूरा गर्व है, मैंने खूब गर्व है मुझे था। तो सुन के बहुत खुशी हो रही थी अपनी तारीफ सुनना अमिताभ बच्चन के मुंह से। कोमल है कमजोर नहीं वो, शक्ति का नाम ही नारी है। एक गीत की ये पंक्तियां शायद हमारी आज की रोल ओवर कंटेस्टेंट शताब्दी अवस्थी के लिए ही लिखी गई थी। आइए एक बार फिर उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें शताब्दी अवस्थी। तो उन्होंने अब नाम तो शताब्दी एक्सप्रेस उसी समय शुरू हुई थी, और एक इसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत फास्ट, ये मतलब बहुत ज़्यादा इतनी चुलबुली बहुत नटखट थी ये, तो उन सबको देखते हुए इसका नाम फिर शताब्दी रखा। मुझे पता नहीं लगता कब सुबह जल्दी उठ जाती, कब अपना करती, ट्यूशन जाती थी वहाँ से काफ़ी दूर था हमारे, जब भी चली जाती सुबह जल्दी और पूरा मतलब मेरा भी सारा काम कर जाती, वो मम्मी खाना वाना बनाई तो सारा सब चीज़ करके पूरा तैयार। एक्चुअली मेरा बचपन से एक ही सपना था, एक ही सपने को लेके मैं बड़ी हुई थी कि मुझे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी थी। MIA का एग्ज़ाम भी देके आई थी, तभी अचानक से छत पे मैंने इसे भेजा, वहाँ पता नहीं कितनी हवा थी, कुछ बच्चों के साथ ये खेलने लगी, बैलेंस बिगड़ा और ये छत से गिरी। तो मैं तो अपने आप को बहुत कुछ इससे मानती हूँ कि शायद मेरी वजह से सब कुछ हुआ। आपकी भागती दौड़ती ज़िंदगी जब एक 4x6 के पलंग पे आके सिमट जाती है तो नहीं समझ में आता कि अब क्या होगा। दो चार बार मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैं क्योंकि बेड पे अकेली ही सोती हूँ, रात में चीटियों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया एकदम, मतलब जब मैं सुबह उठ के मैंने देखा कि बेडशीट पूरी ब्लड की हो रही थी और मेरे पैरों पे पूरे नीज तक मतलब एकदम गड्ढे हो गए थे इतने। सबसे बड़ा दुख तो वही था जो कि सपना था, जिस सपने को लेके बड़ा हुए थे, उस सपने को अपनी आँखों के सामने चकनाचूर होते हुए देखा, वो बहुत मुश्किल था। आज भी मैं वो सोचती हूँ तो मैं एकदम अंदर से कांप जाती हूँ। जिस साल मेरा एक्सीडेंट हुआ उसी साल मेरी मम्मी का रिटायरमेंट हुआ था, तो उस एज के अंदर मुझे लगता है कि मैंने उनको बहुत दुख दिया, चाहे वजह कोई भी हो लेकिन कारण मैं थी उस दुख का। तो उसके बाद में अगर फिर मैं रोने लगूँ या मैं उनको परेशान करूँ तो उससे बुरा शायद कुछ नहीं हो सकता था। फिर जब ये हुआ कि आप कुछ नहीं सही होगा, आप इसी तरीके से बेड पे रहना है, ऐसे तो कैसे चलेगा, मतलब अगर ज़िंदगी मिली है तो इसलिए तो नहीं मिली थी कि मैं एक बिस्तर के ऊपर ज़िंदगी को निकालूं। मैंने फिर से स्टडीज स्टार्ट किए, MA मैंने किया, मैंने BEd किया और उसके बाद में मैंने बैंक
के लिए तैयारी शुरू की। नवंबर 2010 में मेरा बैंक में सिलेक्शन हुआ एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर। लेकिन यहाँ पे भी आके स्ट्रगल ख़त्म नहीं था। जॉब लगने के 6 महीने के अंदर अंदर अचानक से, मतलब कुछ नहीं हुआ था, पापा को कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हल्का सा उनको एक दिन रात में हार्ट में पेन हुआ, अगले दिन दिखा के आए, ECG वगैरह सब कुछ नॉर्मल आया। लेकिन वो घर पे आए और पता नहीं कैसे साइलेंट अटैक आया और वो हमेशा के लिए छोड़ के चले गए हम लोग को। उसके पापा ने मेरे से भी ज़्यादा तो वो थे, एक मतलब हर तरह से इसका वो ध्यान रखते थे। मैं तो कभी कोई बात पर हो जाते थे कि आप थोड़ा इसका वो रखते हो, तो वो तो खूब पहले वो पहना लेते ना भाई, क्या पहनाते उनको, कैलिवर पहना के चलाते थे, फिराते थे, घुमाते, खूब इसका पूरा ध्यान रखते कि भाई जैसे से अपने खड़े हो जाए तो हमको भी। उस समय तो हम इतने हो गए थे, टूट गए, कई दिनों तक तो हमने खाना ही नहीं खाया शुरू में। देख लो आप, मैं पूरी तरह टूट चुकी थी और मुझे लगा था कि अब शायद अब मैं नहीं उबर पाऊँगी इस दुख से। अब बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंस था। वो जो एक एक्सीडेंट के बाद जो पेन था वो एक पॉजिटिव पेन था, लेकिन ये जो दर्द था इसने मुझे पूरा अंदर तक मुझे तोड़ दिया था। मतलब मेरे को इतना स्ट्रगल करने के बाद में जब खुश रहने का टाइम आया तो वो चले गए। कोई भी अचीवमेंट होता है वो उनके बिना अधूरा लगता है। मम्मी को देख के एक जीने की वजह मिली। ये लगा कि जब मैं इतनी दुखी हूँ तो उनका दुख तो मुझसे बहुत ज़्यादा है। ओवरनाइट चेंजेस हुए लाइफ में, KBC में सिलेक्शन मेरा, जब मेरा 25 लाख तक मैं पहुँची थी मेरी सारी लाइफ लाइन्स ख़त्म हो चुकी थी, एक भी लाइफ लाइन मेरे पास में थी नहीं। तो मुझे ये था कि हाँ अब मैं छोड़ दूँगी इसको, पर जब 50 लाख का क्वेश्चन आया तो ए बाल गंगाधर तिलक फाइनल आंसर लॉक कर दिया जाए। मेरे पास एक बुक है जो जिस समय पढ़ाई करती हूँ उसमें क्लियरली मेंशन है कि आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, ये बुक है बाल गंगाधर तिलक की। तो ये मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे पता था कि बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर है। अब इन्होंने इटली के उठा के जबरदस्त तरीके से कंफ्यूज कर दिया। अगर आप वीर सावरकर कहती तो आप गलत होती। अगर KB हेगडेवार कहती तो भी आप गलत होती। परंतु अगर आप दयानंद सरस्वती कहती है तो भी आप गलत होती हैं। शताब्दी 50 लाख रुपए, शताब्दी बहुत ही उम्दा खेल खेला। तो उनके हस्बैंड जिया जी बोले कि मेरी बेटी के लिए कह रहे थे वो कि उसको स्पोर्ट्स ज्वाइन कराते हैं कुछ, तो हमें लगा ये बोली कि मैं भी कुछ करती हूँ एक बार, और अचानक से वहाँ केवल वो एक जरा सी बात थी और उससे सब कुछ चेंज हो गया। और वो एक जो फीलिंग थी कि कंट्री के लिए कुछ करना है वो तो स्टार्टिंग से थी, वो हमेशा रह रह के वो एक वो कसक उठती रहती थी कि मैं कुछ कर नहीं पाई हूँ अपनी कंट्री के लिए। मेरा तो एक्सीडेंट हुए 12 साल हो गए, लेकिन मुझे कभी इस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मैं स्पोर्ट्स भी कर सकती हूँ। तो आई स्टार्टेड विद आर्चरी। मेरे कोच हैं श्री महावीर सैनी जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मुझे खुद को सोचती हूँ तो मुझे लगता है बहुत फनी इंसिडेंस था कि जब मैं फर्स्ट टाइम सर से मिली थी, मैं गाड़ी में बैठे हुए थी, एक शॉट फुट दिया, मैंने कहा एक बार शॉट फुट बैंक के बदल। वो मेरी मतलब लाइफ का मेरा फर्स्ट मोमेंट था जब मैंने शॉट फुट को हाथ में लिया था। तो
उसने 2.5 मीटर शॉर्ट पुट फेंका, उससे मुझे उसकी जर्क, उसकी एबिलिटी का पता लग गया। मैंने 31 की एज में मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, तो एक तो वैसे ही 11-12 साल से मैं बैट पे हूँ, तो बॉडी एकदम स्टिफ हो चुकी थी और मेरा आधा पोर्शन काम नहीं करता, सिर्फ मेरा अपर पोर्शन काम करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे सारे एक्सरसाइज करने होते हैं। तो सबसे पहले तो उसको मेंटली हम प्रिपेयर करते हैं। डबल प्रॉब्लम है डिसेबल में, क्योंकि एबल में तो हम ट्रेनिंग करवाते हैं, ट्रेनिंग करानी है, उसको डाइट खानी है और उससे उसका काम चल जाता है। लेकिन डिसेबल में सबसे पहले, डिसेबल का कोई भी खिलाड़ी है वो अपना पहले तो शरीर से लड़ता है। मैंने उसको वहाँ फिर उसके अंदर एक स्टैंड तैयार किया और स्टैंड से इसको जेवलिन, डिस्कस और शॉर्ट पुट फेंकाना शुरू किया, तो इसने बहुत शॉर्ट टाइम में इंटरनेशनल हो गई। अक्टूबर में मैंने गेम स्टार्ट किया था और दिसंबर में मेरे स्टेट लेवल टूर्नामेंट थे और पहले ही टूर्नामेंट में मैंने 3 गोल्ड मेडल मुझे मिले। सही डिसीजन था लाइफ का, जिसका श्रेय पूरा मेरे कोच सर को जाता है। शायद सर नहीं मिलते तो मैं नहीं एथलेटिक्स स्टार्ट करती, और एथलेटिक्स स्टार्ट करने के बाद में तो बहुत बहुत जल्दी मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे। दुबई फाजा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में मैंने पार्टिसिपेट किया और ये मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था और उसमें मैंने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता। थोड़ी उस टाइम पे मुझे इंजरी भी थी, पिछले 15-20 दिन से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मेरा एक, बस वो जो अच्छा लगता है सुन के, आज तक हम यही बोलते आए हैं कि मैं सवाई माधोपुर से हूँ या मैं जयपुर से हूँ या मैं राजस्थान से हूँ, पहली बार एक इतने बड़े लेवल पे ये सुनने को मिला कि मैं इंडिया से हूँ। उसके बाद में अप्रैल 2017 में नेशनल हमारी चैम्पियनशिप हुई थी, जिसमें जैवलिन के अंदर मुझे गोल्ड मेडल और शॉटपुट के अंदर सिल्वर मेडल मिला। एक सपने जैसा था वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिलेक्शन होना। जुलाई में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, एक इतने बड़े लेवल के ऊपर, और वो ओलंपिक कोर्ट जहाँ पे कि 2012 के ओलंपिक्स हुए थे लंदन में क्वीन एलिजाबेथ स्टेडियम, से मेरा जो थ्रोइंग स्टैंड था वो, उसके मेजरमेंट सही नहीं थे तो मेरे कुछ फाउल्स वहाँ पे मुझे दिए गए, वो बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग था। उसके बाद से मैंने आके बहुत रिगरसली मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आई तो वहाँ पे मुझे ये मैंने महसूस किया कि अब मैं गेम छोड़ के पीछे नहीं हट सकती, मुझे आगे ही बढ़ना है। लेकिन क्योंकि मुझे सेंसेशन नहीं है लोअर बॉडी में, इसलिए मुझे पता नहीं चला। एक महीने के बाद ये डिटेक्ट हुआ कि बैट सोर है। मैं बैड रेस्ट पे ही थी और मेरी हेल्थ कंटिन्यू डाउन होती जा रही थी, बहुत वीकनेस रहने लगी थी, क्योंकि कई साथ 8 बोतल तक खून चढ़ गया था इसको। डॉक्टर ने बोला भी था कि शायद 2-3 दिन अगर आप और टेस्ट नहीं करवाते तो ब्लड कैंसर वाली स्टेज आपकी स्टार्ट हो जाती है। 2-3 महीने बाद तो पता लग गया, तो काफी बढ़ गया वो। प्लास्टिक सर्जरी हुआ मेरा पूरा, हिप का बहुत सारा पोर्शन निकाल के उन्होंने पास में से लेके ड्राफ्टिंग किया। मतलब वो लगता है ना कि हाँ, जो तकलीफ है उनसे तो हम कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, लेकिन अननेसेसरी एक और बहुत बड़ा एक इशू मेरे साथ में हो गया था। एक बार को तो लगा था कि शायद अब मेरा करियर खत्म हो गया। 2-3 महीने तो हमारे इतने बुरे निकले, जितना जब गिरी थी ना उस समय भी हमको इतना वो नहीं हुआ जितना अब हमने दुख उठाया, पर भगवान ने लाज रख लिया, हमने सही हो गई, फिर इसने अपना रोटेशन बना ही लिया। फरवरी में मैंने अगेन ग्राउंड पे जाना स्टार्ट किया, बहुत डिफिकल्ट था शुरू में, बिल्कुल मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने फिर से स्टार्ट किया और अभी मार्च 2018 में हमारे नेशनल की चैंपियनशिप थी। मैं इतना अच्छा तो परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन मैंने जैवलिन और शॉटपुट के अंदर सिल्वर मेडल लिया, तो इससे एक फिर से विश्वास आया कि मैं कर सकती हूँ। बड़ा जज्बा है और ये मुझे उम्मीद है इसकी, एशिया अभी जकार्ता में हो रहा है अक्टूबर में, इसमें भी मेडल आने के चांसेस है। अपने खिलाड़ी होने के ऊपर गर्व होता है कि हाँ, हमने कुछ सही डिसीजन लिया, कुछ अच्छा किया। 2 साल पहले तक मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं घर से 5 कदम भी बाहर में अकेले जा सकती हूँ। अब तो थोड़े थोड़े इसने अपना शिफ्ट हो जाती है गाड़ी, तो पहले तो हर चीज पे आधारित थी। लंदन वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं अकेले गई थी, हमारे यहाँ पे हमारे साथ में एक प्लेयर हैं सुंदर गुर्जर, वो सिर्फ एक ही प्लेयर थे इंटरनेशनल जो इंडिया की टी शर्ट पहन के आते थे, वो मेरे काफ़ी अच्छी फ्रेंड हैं वो, तो मेरा बहुत मन करता था कि मैं उनसे एक टी शर्ट ले लूँ पहनने के लिए। बहुत ही हसमुख है,
और अच्छे व्यवहार की, जो अगर मेरी पूरे राजस्थान में अगर मेरी कहीं बनती है तो इसी के साथ बनती है, मैं किसी से इतना बात नहीं करता ना किसी के पास जाता, अगर जाता हूँ तो उनके घर पे बैठ के आता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, मैं मेरे खुद के घर भी नहीं जाता, दो दो साल हो जाते हैं मैं मेरे घर नहीं जाता, एक ही के घर चला जाता हूँ तो बस घर वाली से लेकर जाती है। दुबई वो ले गई मुझे, दुबई भी दिखा दिया, तो बेटा होता तो कहा दुबई दिखाता, अगर नहीं दिखाता। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए ऐसा बनाया कि अगर मैं अगर नॉर्मल होती तो शादियों के मैं भी चली गई होती, तो फिर आपका ध्यान कौन रखता, तो मैं हूँ, लेकिन मैं आपको इस सबसे उभारूंगी और आज भी बिल्कुल बेटे वाला फर्ज अदा कर रही हूँ। पर्सनली मैं ये मानती हूँ कि ये जो एक्सटेंट है मेरे लिए एक ब्लेस की तरह साबित हुआ है, मेरे लिए एक वरदान है, बिकॉज अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती। मैं सच बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ठीक होने की ज़रूरत है, मैं अभी भी ठीक हूँ, मैं और उसे बेटर हूँ। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत धीरज दिखाया आपने शताब्दी जी, और इस धीरज को, इस धैर्य को, आपके मनोबल को हम एक बार फिर अभिनंदन करते हैं। एक जना और है, एक पर्सन और है जो कि शायद मुझसे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स को डेली फेस करता है, वो है मेरा भाई चंदन। मेरे कोई भाई तो नहीं है, रियल ब्रदर तो नहीं है, लेकिन उस इंसान ने भाई होने की हर कमी को पूरा किया है, कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई।